बस क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग भी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? काम शाम कर रहे हैं कि वैसे फ्री हैं? तो फ्री हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं आया हूँ काम से। देखिए ज़रा, अभी मैंने नहाना भी है तो लेट हो रहे थे। हमने कहा चलो जल्दी से एक ब्लॉग बना ले। तो कल का आपको ब्लॉग किस तरह का लगा आपने मैसेज करके हमें बताया नहीं है। शायद किसी भाई ने मैसेज किया भी हो तो हम लोग तो आपको पता कर पा रहे हैं। अभी जाएंगे किसी के पास तो फिर वो पढ़ के बताएंगे हमें कि बहन भाइयों ने क्या क्या कहा हुआ हमें। तो चले आए, मैं आपसे बुलवाता हूँ दिया को और रजिया को। ये देखिए जरा, क्या चल रही है? ठीक ठाक हो गया? ठीक ठाक है। और आज का हमारा ब्लॉग ये है कि पतंस बहुत ज़्यादा लेट आए हैं। ये आप देख सकते हैं टाइम कितना हो गया, 7:30 हो गया। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो कल की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना, इस वीडियो में बता दीजिएगा। तो अच्छी, मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिल के। उनके बच्चे भी आए हुए थे लेकिन उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, टाइम भी कम था और लाइट भी नहीं थी। बहुत कल जो बुरा हाल था, तो ये भी बस कल बहुत ही वाकया में बुरा हाल इस वजह से था कि लाइट पूरा दिन ही आई। सुबह 7 बजे की गई, रात 11 बजे आई। जी तो ब्लॉग में हमारा कल को पता है आपको लेट हो गया फिर लाइट की वजह से। तो इस वजह से फिर ब्लॉग जो है ना रात को हमने लेट अपलोड किया। रजिया आज नाराज हो रही थी मेरे साथ, कह रही थी कि यूपीएस का बंदोबस्त करो। तो मैं सोचता था कि अभी बस देखिए आपके भी बच्चे हैं, बच्चे तो बर्दाश्त नहीं करते, बड़े बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मेरी और रिश्वा फिर बहुत ज्यादा तंग करती है हमें, इस वजह से फिर सारी दोपहर को मोबाइल बैठ के गुजारते हैं। तो मोबाइल भी आपको पता है कि ऊपर इतनी गहरी छांव नहीं है ना, अभी तक पौधा लगा हुआ है तो फिर जो है ना मुश्किल हो जाती। तो TR की छत है फिर वो ज्यादा गर्म हो जाती है, कमरा तो बहुत ही ज्यादा। अभी भी हवा इसकी बहुत गर्म है, जब भी आपको पता है कि शाम तो होती है तो सोने की भी हमें मुश्किल होती है क्योंकि आपको पता है कि स्टैंड वाला जो हमारा पंखा वो भी सही नहीं चलता जी। तो उसकी हवा बहुत कम है, मच्छर इतने ज्यादा है इधर के एक मिनट भी आप बाहर नहीं बैठ सकते जी, बहुत ही ज्यादा। और इतने तो मच्छर काटने से पता है आपको कहीं इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन बचाते हैं बच्चों को जितना पिछली दफा दिया को, जैसे मैं आपको बता दूं मलेरिया हो गया था, फिर वो मलेरिया की वजह से इसको मतलब के जलकान हो गया, उस तरह काफी इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी हम सोच रहे हैं कि उससे पहले पहले जो है ना कि हम तो लाइट का पक्का बंदोबस्त कर जी। जो ये तो मेरे भी आई है, उम्मीद करती हूं ठीक होंगे। तो बस मैं आपसे ये कहना चाह रही हूं, वो मैं भी जोन सी सिस्टर है वो बहुत अच्छी है ना। तो आपने हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है और लाइक करने, सब्सक्राइब करना। तो मेरी हमारे चैनल का नाम क्या है? पत्रस रजिया बिलोंग। तो चैनल का बेशक नाम लिखे और पत्रस रजिया आप लिखेंगे आपको आसानी से आईडी मिल जाएगी। तो नाम हमने इसलिए चेंज किया कि काफी लोगों को मुश्किल हो रही थी कि हमारा चैनल नहीं उनको मिलता था, तो बहुत उनको मुश्किल होती थी। फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करते थे कि आपके चैनल का जो लिंक हमें नहीं मिल रहा, तो हमने इसलिए नाम थोड़ा छोटा कर दिया। तो जरूर आपको भी पसंद आएगा, छोटा सा नाम है पत्रस और रजिया। और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करने आपने। तो बेल लाइक को दबाना मत भूलिएगा। हाँ जी, तो इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक और फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा लिंक मिल जाएगा, जो भी बहन भाई हमसे बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, और सबसे मेन बात ये है कि दुआ कीजिएगा कि ये स्कूल चले जाए। और दूसरी बात ये है कि दुआ कीजिएगा इस से पहले पहले मैं इनके कपड़े ले आऊँ। तो कोशिश जारी है दिवस, तो दुआ में आपने याद रखना है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग स्कूल चले जाएं। अच्छा लगता है कि मैं भी स्कूल जाऊं, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल नहीं जाते। दुआओं में अपने जरूरी हमें याद रखना है कि हम तीनों बहनें स्कूल जा सकें। मैरी जिस दिन पहली दफा स्कूल जाएगी, मैरी आपको यूनिफॉर्म में मिलेगी और मैरी बहुत खुश है, उस दिन का इंतजार कर रही है। जी जी, तो लिश्मा किधर गई है? लिश्मा इधर आओ, मुझे दे दे। कोई बात नहीं, मैं चला रहा हूँ। तो इधर लिश्मा भी आ गई है, लिश्मा से भी हम लोग पूछते हैं। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो
ये लोग ब्लॉग्स बना रहे थे, मैं बाहर बैठी हुई, बाहर तो बहुत ही ज्यादा मच्छर काट रहे हैं, है बहुत ज्यादा यहाँ पर मच्छर है और वो बहुत ज्यादा काट रहे हैं। तो आपने हमारे चैनल पर विजिट करना है और आपने अच्छा अच्छा उसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। हंस रही है जिस तरह आपको पता है कि मेरी ये तीन बेटी हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, तो आपने खास तौर इनके लिए दुआ करनी है, खुदा हर बेटी के नसीब अच्छे करे और आप लोगों के पीछे मेरी तीनों बेटियों के भी नसीब अच्छे करे और हम सब लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखा करें। तो आज छोटा सा व्लॉग था, ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए खुदा।